हेलो स्टूडेंट्स, वेदरिंग द स्टोन में इस माह लेसन की सेकंड वीडियो में आप सबका फिर से स्वागत है। और स्टूडेंट्स, अब तक आपने पढ़ा कि प्रशांत अपने फ्रेंड के पास गया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो वहां पर गया तभी चक्रवात आ गया और चक्रवात इतना भयंकर था कि उसके साथ बाढ़ भी आ गई और 2 दिन तक वो अपने फ्रेंड के घर पर ही रहा। लेकिन वो अपने परिवार को लेकर बहुत चिंतित था, तो इसलिए उसने 2 दिन के बाद चलना शुरू किया। लेकिन पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था तो उसने अपने साथ एक लाठी को ले लिया ताकि वो पानी की गहराई को नाप सके। हालांकि उसे रास्ते में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद उसे अपने अंकल के 2 बेटे मिलते हैं और वो भी उसके पास के गाँव में ही जा रहे थे, तो उनके साथ चलना शुरू कर देता है। स्टूडेंट देखते हैं कि किस प्रकार वो अपने घर पहुंचा, उसे अपना परिवार जीवित मिला या नहीं, और उसने अपने उन चक्रवात से पीड़ित लोगों के लिए क्या क्या किया। As they waded through the waters, the scene they witnessed grew more and more macabre. Macabre means भयानक, waded means आगे बढ़ना। जैसे ही वो पानी के बीच से आगे बढ़ रहे थे तो जो जो दृश्य उन्हें दिखाई दे रहे थे वो और ज्यादा भयानक होते जा रहे थे। They had to push away many human bodies. ह्यूमन बॉडी मानवीय शरीर को पूछ सके धकेलना, और उन्हें बहुत से मानव शरीरों को इधर उधर धकेलना पड़ रहा था, जिनमें की मैन वोमैन चिल्ड्रन, जिनमें आदमी भी थी, औरतें भी थी और बच्चे भी थे। एंड कारकासेस ऑफ डॉग्स गोट्स एंड कैटल दैट द करंट स्वेप्ट अगेंस्ट देम एज दे मूव्ड अहेड। और उनमें कारकासेस मीन्स होता है शव, किस किस के शव थे, डॉग्स कुत्तों के, गोट्स बकरियों के, और कैटल मीन्स जानवरों के। करंट मीन्स धारा, स्वेप्ट मीन्स बहाकर लाना। और जैसे ही वो आगे बढ़ रहे थे तो पानी की धारा उनके सामने कुत्तों के, बकरियों के और जानवरों के शव भी पाकर ला रही थी, तो उन्हें भी हटाकर उन्हें एक तरफ बढ़ना पड़ रहा था। इन एवरी विलेज दैट दे पास दे कुड बेयरली सी अ हाउस स्टैंडिंग। और पास मीन्स गुजरना, बेयर में मुश्किल से ही। और जिन जिन गांव से वो गुजरते जा रहे थे उन्हें मुश्किल से ही कोई घर खड़ा हुआ दिख रहा था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। और अब प्रशांत जोर जोर से और काफी देर तक रोता रहा। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुड नॉट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रोफी। कैटास्ट्रोफी मीन विपत्ति का समय, सर्वाइव मीन्स जीवित रहना। उसे पूरा विश्वास हो गया था कि उसका परिवार इस विपत्ति के समय में जीवित नहीं रहा होगा। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कैलीकुडा। कैलीकुडा उसके गांव का नाम है। इवेंचुअली अंत में प्रशांत अपने गांव कैलीकुडा में पहुंच गया। हिज हार्ट वेंट कोल्ड। उसका हृदय ठंडा हो गया था। वेयर देयर होम वंस स्टूड देयर वर ओनली रेमनेंट्स ऑफ इट्स रूफ। रेमनेंट्स मीन्स अवशेष। और जहां पर उसका घर हुआ करता था वहां पर केवल उसकी छत के अवशेष ही बचे हुए थे। सम ऑफ देयर बिलोंगिंग्स वर कोट मैंगल्ड एंड ट्विस्टेड इन द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज जस्ट विजिबल अबाउट द डार्क वॉटर्स। बिलोंगिंग मीन्स सामान। कोट उलझा हुआ था, मैंगल्ड टूटा फूटा पड़ा था, और ट्विस्टेड फंसा हुआ था। ब्रांचेज मीन्स शाखाओं में, विजिबल मीन्स दिखाई देना। और गहरे पानी के ऊपर जो पेड़ दिखाई दे रहे थे उन पेड़ों के बीच में उसके घर का कुछ सामान उलझा हुआ था और टूटा फूटा हुआ पड़ा था। यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू द रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली। डिसाइड मीन्स निर्णय करना, और लुक फॉर ढूंढने के लिए छोटे प्रशांत ने निर्णय किया कि वो रेड क्रॉस जो आश्रम है जो बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाया गया है वहां पर जाकर अपने परिवार की तलाश करेगा। आफ्टर द फर्स्ट पीपल ही सा इन द क्राउड वाज हिज मैटरनल ग्रैंडमदर। मैटरनल ग्रैंडमदर का मतलब है नानी। और पहला व्यक्ति जो उसने उस भीड़ के बीच में देखा वो उसकी नानी थी। वीक विद हंगर शी रश टू हिम, हर हैंड आउटस्ट्रेच्ड, हर आईज ब्रिमिंग। वीक हंगर मीन्स भूख, आउटस्ट्रेच मीन्स फैलाकर रखना, ब्रिमिंग मीन्स भरे हुए होना। वो भूख से बहुत कमजोर हो गई थी और दौड़ते हुए उसके पास आई। उसने अपने हाथों को फैला रखा था और उसकी आंखें आंसू से भरे हुए थी। इट वॉज अ मिरेकल। मिरेकल मीन्स चमत्कार, ये एक चमत्कार ही था। दे हैड लॉन्ग गिवन हिम अप फॉर फूड, क्योंकि उन्होंने काफी समय पहले ही उसे मृत समझ लिया था। क्विकली वर्ड स्प्रेड एंड हिज एक्सटेंडेड फैमिली गैदर्ड अराउंड हिम एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ। वर्ड स्प्रेड मीन्स खबर का फैल जाना, एक्सटेंड मीन्स बिखरा हुआ, गैदर मीन्स इकट्ठा होना। जल्दी से एक खबर चारों तरफ फैल गई और उसका बिखरा हुआ परिवार उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गया। एंड हग्ड हिम टाइट इन रिलीफ, और उन्होंने एक राहत के साथ उसे बहुत टाइट से हग किया। प्रशांत एंजेसली स्कैन द मोटले बेटर्ड ग्रुप। मोटले बेटर्ड ग्रुप का मतलब है बिखरे हुए परिवार को। स्कैन मीन्स देखना, एंजेसली चिंतित होकर। प्रशांत ने चिंतित होकर अपने उस बिखरे हुए परिवार को देखा। हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, हिज अंकल्स एंड आंट्स, दे ऑल सीम टू बी देयर। उसे अपने भाई बहन चाचा चाची सभी वहीं पर प्रतीत हुए। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, or desperate means निराशाजनक situation में स्थिति। अगले दिन जब उसने उस आश्रम में निराशाजनक स्थिति को देखा, he decided to get a grip over himself. तो उसने पहले अपने ऊपर नियंत्रण पाने का निश्चय किया। He sensed deathly gripe settling over the 205
2500 स्ट्रंग क्राउड इन द शेल्टर। उसे लगा कि उस आश्रम में जो 2500 लोगों की भीड़ है उनमें एक मृत्युजनक भय व्याप्त हो गया है। 86 लाइव्स वर लॉस्ट इन द विलेज। गांव में जो 86 लोग थे वो खो गए थे। ऑल द 96 हाउसेस हैड बीन वॉश्ड अवे वाज डिवाइन बा देना। और गांव में जो 96 यानी कि 96 घर थे वो बह गए थे। इट वॉज देयर फोर्थ डे एट द शेल्टर। उस आश्रम में उनका चौथा दिन था। सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स। और अब तक केवल वे ग्रीन कोकोनट्स हरे भरे कोकोनट के ऊपर ही जीवित थे। बट देयर वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच अ टुमल्ट ऑफ पीपल। टुमल्ट मींस भीड़। लेकिन इस लोगों की भीड़ में बहुत कम लोग ऐसे थे जो बाहर जाना चाहते थे। प्रशांत ऑल ऑफ 19 ईयर डिसाइडेड टू स्टेप इन एज लीडर ऑफ हिज विलेज इफ नो वन एल्स डिड। और प्रशांत जो केवल 19 वर्ष का था डिसाइड मींस निर्णय किया स्टेप इन बाहर निकलने का। प्रशांत जो केवल 19 साल का था उसने अपने गांव के लीडर के रूप में नेता के रूप में बाहर जाने का निश्चय किया यदि कोई और ऐसा नहीं करता है तो। ही ऑर्गेनाइज अ ग्रुप ऑफ यूथ एंड लीडर एंड एल्डर्स टू ज्वाइंटली प्रेशराइज द मर्चेंट वंस अगेन टू पार्ट विद हिज राइज। ऑर्गेनाइज मीन्स बना लेना, संगठित कर लेना। उसने युवा लोगों का और बड़ी उम्र के लोगों का एक ग्रुप बनाया और जिससे कि वे ज्वाइंटली साथ साथ मिलकर प्रेशराइज दबाव डाल सके मर्चेंट व्यापारी के ऊपर, ताकि वो साथ मिलकर व्यापारी के ऊपर दबाव डाल सके ताकि वो उन्हें एक बार फिर से चावल दे सके। दिस टाइम द डेलीग्रेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न ट्रम्फेंटली वेडिंग थ्रू द रिसीडिंग वाटर्स विद फूड फॉर द एंटायर शेल्टर। और डेलीगेशन मीन्स है समूह, सक्सीड मीन्स सफल होना, रिटर्न मीन्स वापस लौटा, ट्रम्फेंटली विजयी होकर, वेडेड मीन्स लेकर, रिसीडिंग मीन्स पीछे जाते हुए। और इस बार भी ये समूह विजयी होकर सफल होकर लौटा और ये अपने साथ उस पीछे हटते हुए पानी में उस पूरे आश्रम के लिए भोजन लेकर आ रहे थे। नो वन केयर दैट द राइस वॉज ऑलरेडी रोटिंग। ऑलरेडी पहले से रोटिंग सड़ा हुआ था और किसी ने भी इस बात की परवाह नहीं कि ये चावल पहले से ही सड़ा हुआ था। ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज वर गैदर्ड टू लाइट अ रिलक्टेंट एंड स्लो फायर। रिलक्टेंट मीन्स है लगातार चलने वाली और स्लो मीन्स धीमी। और पेड़ों से शाखाएं इकट्ठी की गई ताकि वे लगातार और धीमे धीमे आग जला सके। ऑन विच टू कुक द राइस जिससे कि चावल को पकाया जा सके। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फोर डेज द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वर एबल टू फिल देयर बैली। फिल देयर बैली का मतलब है पेट को भरना। सर्वाइवर्स में जीवित बची हुई और इन चार दिनों में पहली बार उस चक्रवात में बचे हुए लोगों ने अपने पेट भर खाना खाया था। हिज नेक्स्ट टास्क वाज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर ऑफ फिल्थ यूराइन वॉमिट एंड फ्लोटिंग कारकासेस एंड टू टेंड द वाउंड्स एंड फ्रैक्चर्स ऑफ द मेनी हु हैड बीन इंजर्ड। और उसका नेक्स्ट टास्क मीन्स काम, ऑर्गेनाइज मीन्स व्यवस्थित करना था। और उसका अगला काम युवा लोगों की एक ऐसी टीम को व्यवस्थित करना था। वॉलंटियर मीन्स स्वयंसेवक, युवा स्वयंसेवकों की ऐसी टीम को व्यवस्थित करना था जो क्लीन मीन्स साफ कर सके। शेल्टर मीन्स उस आश्रम को, शरण स्थल को, जिसमें कि फिल्थ मीन्स गंदगी, यूरिन मीन्स पेशाब, वॉमिट मीन्स उल्टी और फ्लोटिंग कारकासेस और बहती हुई लाशें थी। उसका अगला काम था कि वो युवा स्वयंसेवकों की एक ऐसी टीम बनाए जो उस शरण स्थल में फैली हुई पेशाब की, उल्टी की और तैरते हुए लाशों की सफाई कर सके। एंड टू टेंड द माउंट्स, माउंट मीन्स घाव और फ्रैक्चर्स मीन्स हड्डियों का टूटना। और बहुत से लोगों की जो इसमें इंजर्ड घायल हुए थे, जो चक्रवात में घायल हुए थे, उन बहुत से लोगों की हड्डियों की टूट फूट की मरम्मत कर सके और उनके घावों की देखभाल कर सके। ऑन द फिफ्थ डे ए मिलिट्री हेलीकॉप्टर फ्लू ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप्ड सम फूड पार्सल्स। और पांचवें दिन एक मिलिट्री का हेलीकॉप्टर उस शरण स्थल के ऊपर से उड़ा और उसने कुछ फूड पार्सल, कुछ फूड के, कुछ खाने के पैकेट गिराए। इट देन डिड नॉट रिटर्न। फिर इसके बाद ही वापस नहीं लौटा। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। और जो यूथ टास्क फोर्स थी, जो युवा लोगों का समूह था, उसने गैदर इकट्ठे किए एम्प्टी यूटेंसिल्स, खाली बर्तन। उसने शरण स्थल से खाली बर्तनों को इकट्ठा किया। देन दे डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाइन द सैंड लेफ्ट बाय द यूटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टोमक्स। फिर उन्होंने क्या किया, डेप्यूटेड मीन्स लगा दिए चिल्ड्रन, बच्चों को सैंड मीन्स जो रेत होती है, वाटर पानी के द्वारा, और शरण स्थल के आसपास पानी के द्वारा जो रेत छोड़ी गई थी उसके ऊपर उन्होंने बच्चों को लिटा दिया और उनके पेट पर यूटेंसिल्स बर्तन को रख दिया। टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, ताकि कम्युनिकेट बता सके, ताकि वो उड़ते हुए हेलीकॉप्टर के पास ये मैसेज पहुंच जाए कि वे लोग भूखे हैं। द मैसेज गोट थ्रू पहुंच गया, ये मैसेज पहुंच गया। एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स। और उसके बाद ये जो हेलीकॉप्टर थे ये लगातार उस शेल्टर के, उस शरण स्थल के ऊपर से उड़ते रहे और वो हवा से उनके लिए खाना और दूसरी चीजें गिराते रहे। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फंड। ऑर्फंड मीन्स अनाथ। प्रशांत को लगा कि काफी संख्या में बच्चे अनाथ हो गए हैं। ही ब्रोट देम टूगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर देम। ब्रोट टूगेदर मीन्स साथ साथ लाना, वे उन्हें एक साथ ले आया और उनके लिए एक पॉलीथीन की शरण स्थल बना दिया। वुमेन वर मोबिलाइज टू लुक
आफ्टर दैम, लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना, मोबिलाइज मीन्स लगा देना, औरतें उनकी देखभाल करने के लिए लगा दी गई, व्हाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड अदर एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, जबकि जो आदमी थे वो उनके लिए भोजन का और उस शरण स्थल में भोजन का और दूसरी चीजों का प्रबंध करते थे। एज द वीक्स पास, जैसे कि सप्ताह गुजरते गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। सिंकिंग मीन्स डूबना, ग्रीफ दुख में, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना। जैसे कि हफ्ते गुजर गए तो प्रशांत ने बहुत जल्दी से ये बात पहचानने की औरतें और बच्चे बहुत गहरे दुख में डूबते जा रहे हैं। ही परसुएडेड द वुमेन टू स्टार्ट वर्किंग इन द फूड फॉर फूड प्रोग्राम, वर्किंग फॉर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाई एन एनजीओ। एनजीओ में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संस्था, गैर सरकारी जो संस्थाएं होती हैं, तो परसुएड मीन्स तैयार कर लेना। उसने औरतों को काम के बदले में भोजन, उस काम के लिए जो गैर सरकारी संस्थाओं ने चलाए हुए कार्यक्रम था कि वे उन्हें काम के बदले में भोजन देते थे, उसके लिए औरतों को काम करने के लिए तैयार कर लिया। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट, और बच्चों के लिए उसने जो स्पोर्ट के इवेंट थी वो आयोजित की। हिमसेल्फ लव टू प्ले क्रिकेट, उसे शौक को भी क्रिकेट खेलना पसंद था, एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, इसलिए उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैच कराए। प्रशांत इंगेज विद अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेज ऑफ देयर लाइफ। ब्रोकन पीसेज मीन्स बिखरे हुए टुकड़ों को, और प्रशांत ने इंगेज लगा दिया। प्रशांत अपने दूसरे स्वयंसेवकों के साथ ही विधवाओं की और बच्चों की, उनके जीवन के बिखरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करने में मदद कर रहा था। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज, हाउएवर दिस स्टेप वॉज सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। और इनिशियल मीन्स प्रारंभिक, गवर्नमेंट मीन्स सरकार की, प्लान मीन्स योजना, और सरकार की सबसे प्रारंभिक योजना क्या थी कि इंस्टीट्यूशन मीन्स संस्थाएं, कि वो अनाथों के लिए और विधवाओं के लिए संस्थाओं को स्थापित करें। हालांकि जो स्टेप था, एक कदम था, सक्सेसफुली सफलतापूर्वक रजिस्टर रोक दिया गया। हालांकि इस कार्यक्रम को बड़ी सफलतापूर्वक रोक दिया गया, एज इट वॉज फेल्ट दैट इन सच इंस्टीट्यूशन चिल्ड्रन वुड ग्रो अप विदाउट लव। हालांकि ये बात महसूस की गई कि यदि इस प्रकार की संस्थाएं खोली जाएं तो इसमें जो बच्चे होंगे वो बिना प्यार के ही बड़े हो जाएंगे, एंड विडोज वुड सफर फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस। स्टिग्मा मीन्स लांछन और लोनलीनेस, अकेलापन, और जो विधवाएं होंगी वो लांछन और अकेलापन से पीड़ित हो जाएंगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रजिस्टर्ड इन दियर अमन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत का जो ग्रुप था, रियली उसका विश्वास था रिशेल्टर्ड फिर से स्थापित हो जाना। प्रशांत के ग्रुप का विश्वास था कि जो अनाथ बच्चे हैं वो अपने ही कम्युनिटी मीन्स समुदाय, अपने समुदाय में अपने आप से ही व्यवस्थित हो जाएंगे। पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। संभवतया उन समूहों में, उन समुदायों में जिनमें वो नई फोस्टर फैमिलीज थी, नई पालित फैमिलीज थी, जिनमें वो बच्चे थे, चाइल्डलेस विडो जिनमें वो विधवाएं थी, वो पोषित परिवार जिनमें वो विधवाएं थी जिनके बच्चे नहीं थे, और वो बच्चे थे जिनके पास उनके बड़ों की छत्रछाया नहीं थी, तो ऐसे परिवार में वो बच्चे और वो विधवाएं अपने आप से ही सेटल हो जाएंगी। इट इज सिक्स मंथ्स आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। डिवास्टेशन मीन्स विनाश, और सुपर साइक्लोन ये जो महान चक्रवात आया था, जो भयंकर चक्रवात आया था, उसके विनाश के केवल 6 महीने के बाद की बात है। दिस टाइम ये प्रशांत वाउंडेड स्प्रिट हैड बीन हैज हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज अवन पेन। और इस समय जो प्रशांत की वाउंडेड स्प्रिट, जो प्रशांत की घायल आत्मा है, वो हील्ड भर चुकी है सिंपली अपने आप से ही। इस समय तक प्रशांत की जो घायल आत्मा है वो अपने आप से ही भर चुकी है, क्योंकि ही हैड नो टाइम टू बोदर, बोदर में चिंता करने का, क्योंकि अपने स्वयं के दुखों के बारे में, पीड़ाओं के बारे में सोचने के लिए उसके पास समय नहीं है। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज व्हाट द विडोज एंड ऑर्फन चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन दियर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ। और उसका जो हैंडसम और यूथफुल फेस, उसका जो युवा चेहरा है और हैंडसम चेहरा, इज व्हाट द विडोज, ये वो चीज है जो विडोज मीन्स विधवाएं और ऑर्फन चिल्ड्रन और जो अनाथ बच्चे हैं हिज विलेज, उसके गांव के सीख ढूंढते हैं। और अपने दुख के, अत्यधिक दुख के समय में उसके गांव के अनाथ बच्चे और उसके गांव की जो विधवाएं हैं उसके उस हैंडसम और युवा चेहरे को ही तलाश करती हैं। उन्हें उसे देखकर ही अपने आप को कंफर्ट महसूस होता है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक कि आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स, आप इस लेसन को बार बार पढ़ें और इसको याद करने की कोशिश करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।